If you want to qualify J&K Bank exam in 25 days, then join special crash course for J&K Bank exam in just ₹999. For joining this crash course, contact us on given number. Thank you. 6 persons A, B, C, D, E and F are sitting in a circle facing center. Friends, 6 persons बैठे हैं circle में face center की तरफ है सबका. तो 6 persons बिठा दो. Friends, दो diagram ले लो minimum. Facing center है यानी कि सब अंदर को देख रहे हैं. A is second right of D. D के second right पे है A. तो friends हम left कर लेते हैं कि D यहाँ पर है. अगर आप JK Bank exam को crack करना चाहते हैं तो join करें हमारा JK Bank online course, जिसमें आपको full lectures, notes, online test series, previous year papers और ये सभी चीजें आपको provide की जाएंगी in ₹999. तो ज्वाइन करने के लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे हैं नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी. थैंक यू. फ्रेंड्स, आप कहीं भी ले सकते हो डी को. मान लो जहां पर है डी, तो डी के सेकंड राइट, ए इज सेकंड राइट ऑफ डी, डी के सेकंड राइट. तो फ्रेंड्स अंदर को देख रहे हैं, फेस इनसाइड है, तो जे इसका राइट होगा, जे इसका लेफ्ट होगा. तो डी का सेकंड राइट, फर्स्ट सेकंड जहां पे ए बैठा है, तो सेम. नेक्स्ट है डी हु इज यानी कि डी की बात कर रहा है. फ्रेंड्स मैंने आपको बताया हु हुम हुज लगा होगा, तो जिस पर्सन के साथ लगा. फुल स्टडी मटेरियल एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल फॉर J&K बैंक एग्जाम इन जस्ट ₹999. इफ यू वांट टू गेट, कॉन्टेक्ट अस ऑन गिवन नंबर. थैंक यू. होगा उसी की बात करेगा, यानी कि डी इज थर्ड लेफ्ट ऑफ एफ. डी थर्ड लेफ्ट है एफ के. तो फ्रेंड्स एफ जहां और जहां नहीं हो सकता. अगर मैं एफ को यहां पे बिठाऊं तो जहां से फर्स्ट सेकंड राइट बन जाता है और जहां से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बन जाता है. लेकिन फ्रेंड्स डी इज थर्ड लेफ्ट. तो अगर मैं एफ को जहां पे बिठाऊं तो इसका थर्ड लेफ्ट फर्स्ट. फ्रेंड्स ये इसका लेफ्ट है, ये इसका राइट है. फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड बिल्कुल सही डी बैठा है, यानी कि एफ की पोजीशन यही है. नेक्स्ट है फ्रेंड्स सी इज थर्ड राइट ऑफ ई. तो फ्रेंड्स जहां पे ना सी है या ना ई है, इस लाइन को छोड़ दो. नेक्स्ट चले एंड लगा होगा. तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया इज बट या एंड लगा होगा, तो फर्स्ट पर्सन की बात करेगा, यानी कि सी की कर रहा है. सी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एफ. इफ यू वांट टू क्वालिफाई J&K बैंक एग्जाम इन 25 डेज, देन जॉइन स्पेशल क्रैश कोर्स फॉर J&K बैंक एग्जाम इन जस्ट ₹999. फॉर ज्वाइनिंग दिस क्रैश कोर्स, कॉन्टेक्ट अस ऑन गिवन नंबर. थैंक यू. सी जो कि एफ के इमीडिएट नेबर, यानी कि सी एफ के बिल्कुल पास नहीं बैठा है. तो सी एफ के एक साइड ये ऑलरेडी बैठा है, यानी कि सी जहां पे नहीं बैठा है. सी जहां पे जहां पे बैठ सकता है या फिर जहां पे बैठ सकता है. तो फ्रेंड्स अब छोड़ी हुई लाइन सी इज थर्ड राइट ऑफ ई. सी ई के थर्ड राइट पे है. सी ई के थर्ड राइट पे है. फ्रेंड्स मान लो अगर ई जहां पे हो तो लेफ्ट है ई का, ये फर्स्ट और सेकंड, सेकंड लेफ्ट पे है. लेकिन जहां पे बोल रहे हैं सी इज थर्ड राइट है, तो फ्रेंड्स अगर मैं ई को जहां पे लूं तो ई अगर जहां पे हो जे इसका राइट है, तो फर्स्ट इमीडिएट राइट बन जाता है. तो फ्रेंड्स जे जहां से गलत बन रही है. नेक्स्ट देखिए, अगर ई को मैं जहां पे बिठाऊं तो उन्होंने बोला सी इज थर्ड राइट ऑफ ई. सी ई के थर्ड राइट, तो फ्रेंड्स ई का जे लेफ्ट है, जे राइट है. तो ई का जे फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, बिल्कुल सही. तो फ्रेंड्स बचा हुआ पर्सन है बी. फ्रेंड्स ये आपकी बिल्कुल सही डायग्राम बनी. फ्रेंड्स पजल से आपको 5 क्वेश्चन आएंगे. एग्जाम्पल में मैं बता सकता हूं कि आपको पूछा होगा जैसे हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ डी. डी के सेकंड राइट पे कौन बैठा है. तो फ्रेंड्स ये डी है, ये डी का लेफ्ट है, ये डी का राइट है. तो सेकंड राइट, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, ए होगा राइट आंसर. हो सकता है नेक्स्ट पूछा जाए
हुज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, ई के इमीडिएट लेफ्ट पर कौन बैठा है? तो फ्रेंड्स ये है ई, ई का लेफ्ट ये है, राइट ये है, तो इमीडिएट लेफ्ट पे है एफ। सेम फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन आपको 5 आएंगे। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पजल पे चलते हैं। फुल स्टडी मटेरियल एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल फॉर जे एंड के बैंक एग्जाम इन just ₹999। इफ यू वॉन्ट टू गेट, कॉन्टेक्ट अस ऑन गिवन नंबर। थैंक यू।